तो स्वागत है दोस्तों को नई वीडियो में। तो भाई आज की वीडियो में बात करने वाले हैं न्यू स्टेट के बारे में। और भाई न्यू स्टेट के जो हालात हैं उस हिसाब से तो मैं तुम्हें यही बोलूंगा कि तुम्हें ये वाला मीम तो भाई जरूर देखना पड़ेगा। आए, आए, आए। ये जो अभी लेटा है ना, मालूम है कौन है? कौन है? लखपति है। लखपति लखपति तेरी जाल में फंसा? अरे लखपति ही जाल में फंसते हैं, आपको भरोसा नहीं है? मालूम है ये क्या है? ये चड्डी है। चड्डी नहीं, चिट्ठी है ये। ये 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 कोई मामूली चिट्ठी नहीं है। इसमें इसमें लिखा है इस आदमी को किन किन लोगों से कितने पैसे लेने हैं, पूरा हिसाब लिखा है लाखों में। और जो लोग इसका पैसा नहीं दे पाए होंगे उन्होंने इसको समुद्र फेंक दिया। तो भाई मीम तो तुमने देख ही लिया होगा। तो भाई न्यू स्टेट के कुछ इसी तरह के हालात है। और पर्सनली अगर मैं बोलूं कि न्यू स्टेट एक ऐसा गेम है यार जो काफी कुछ चीजें चेंजेस कर सकता था भाई मार्केट के अंदर। और भाई न्यू स्टेट्स के आने से भाई बहुत सारी गेम्स भी ऐसी हैं जिनको भाई काफी ज्यादा डर लग चुका था कि भाई अगर न्यू स्टेट चलेगा तो भाई देखो और गेम्स का तो देखो ऐसी तैसी होने वाली है। और अगर भाई मुझे मौका मिलता और जो तुमने थंबनेल में देखा है ना, तो वो चीज में भाई देखो असली में करने वाला था, मूड खराब कर दिया। लेकिन भाई अभी ऐसा फिलहाल के लिए तो नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में बात करने वाले भाई न्यू स्टेट का क्या सारा सीन चल रहा है, हमको भाई कब तक उम्मीद करनी चाहिए कि न्यू स्टेट के अंदर कोई अच्छा अपडेट हमें देखने को मिलेगा, और क्या भाई अभी न्यू स्टेट के जो हालात वगैरह चल रहे हैं वो उसमें भाई सरवाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो देखो न्यू स्टेट के ऐसे हालात होंगे उसके लिए मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया था। जो लोग मुझे पहले से मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको ऑलरेडी पता था कि हमने तो भाई पहले ही बोल दिया था कि कुछ महीने भाई गेम के जो हालात हैं वो भी खराब रहेंगे। लेकिन भाई आज की अगर बात करें उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली और आज के सिनेरियो के हिसाब से अगर बात करें तो भाई दोनों चीजें जो है एकदम सच हो रही हैं और 7 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं। तो तुम्हें पता ही होगा कि मैंने तुम्हें बताया था कि न्यू स्टेट का जो हालात है उसके रिगार्डिंग मेरे अपने न्यू स्टेट के मैनेजर से ही बात हुई। उसके बाद मेरे अपने फ्रेंड यानी गब्बर जो भी हमारा एस्कॉर्ट पार्टनर था उसके साथ भी बात हुई थी कि हमने वहाँ पे डिस्कस करा था कि भाई इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली 6-7 महीने तो देखो इसमें लगेंगे। और अगर आज की बात करें तो भाई 7 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। भाई अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप है वो जरूर ज्वाइन कर लेना, उसके अंदर भाई काफी सारी चीजें आती है रिगार्डिंग क्या अपकमिंग कंटेंट आने वाला है, साथ में कुछ मस्ती मजाक भी उसके अंदर चलता है। तो भाई लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर से भाई ज्वाइन कर लेना क्योंकि भाई तुम्हें भाई मजा आने वाला है। तो अगर आज की बात करें तो देखो 7 महीने तो देखो कंप्लीट हो चुके हैं और अब आने वाली है इनकी भाई 3rd year anniversary। तो क्या ये भाई 3rd year anniversary में कुछ बहुत ही बड़े बड़े चमत्कार करने वाले हैं या फिर भाई गेम जो है इसी तरह मुझे एक और मीम बनाना पड़ेगा इस गेम के ऊपर कि भाई अभी क्या चीजें चल रही हैं। न्यू स्टेट की अभी बात करें तो देखो न्यू स्टेट की टक्कर का अभी भी कोई गेम नहीं है, ये तो मैं तुम्हें क्लियरली बता दूं। लेकिन न्यू स्टेट के अंदर प्रॉब्लम हुई है, बग्स हैं, ग्लिचेस हैं और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अगर ग्राफिक की बात करें तो गेम फॉर पीस के अंदर ग्राफिक आए हैं अल्ट्रा क्लियर HD वाले, और न्यू स्टेट के अंदर जो अभी ग्राफिक है उनके हिसाब से देखा जाए तो अभी गेम फॉर पीस के ग्राफिक ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन जो रियलिज्म है जो रियलिस्टिक चीज़ें हैं वो भाई अभी भी न्यू स्टेट के अंदर ही हैं। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि भाई न्यू स्टेट जो है वो भाई PC वाला गेम है, तो इसलिए भाई PC जैसे मैकेनिज्म PC जैसा रियलिज्म उस गेम के अंदर होगा ही होगा। और तुम ये मत भूलना कि अभी भाई न्यू स्टेट ने हमने सारे ग्राफिक भाई अनलॉक नहीं किए हैं। तो भाई न्यू स्टेट की बात करें तो अभी भी फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से तो देखो न्यू स्टेट अभी बेस्ट गेम है। तो बग वगैरह गेम के अंदर है उसके पीछे मैं तुम्हें रीजन बता देता हूं। देखो जो अभी अभी अपडेट आ रहे हैं ना वो सारे अपडेट तुम्हें आउटरली नहीं दिखाई देंगे होंगे कि यार कुछ उन्होंने ऐड करा है, कुछ नई स्किन्स वगैरह ऐड करी हैं। लेकिन मेरे इसके रिगार्डिंगली बात हुई तो उनका कहना ये है कि जो न्यू स्टेट की कोडिंग वगैरह है जिस बेस पे वो चलता है उसके अंदर कुछ चेंजेस वगैरह चल रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, और उनके अंदर जो है वो भाई प्रॉब्लम वगैरह देखने को मिल रही है। इसीलिए तुम्हें अपडेट तो बड़े देखने को मिलता है 200 MB 300 MB 400 MB, लेकिन तुम्हें गेम के अंदर कोई नया कंटेंट देखने को नहीं मिलता है। सर्वाइवल पास की अगर बात करें तो देखो सर्वाइवल पास तुम्हें मिलते हैं लेकिन वो भी पुराने वाले मिल रहे हैं, नए कंटेंट के लिए तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। लेकिन भाई नया कंटेंट मैंने जैसे बोला था तो वो तभी ऐड करेंगे जब उनको लगेगा कि हमारा गेम अब स्टेबल हो चुका है, जो भी हम अपडेट पुश कर रहे हैं गेम के अंदर वो भाई किसी भी तरह का कोई ग्लिच वगैरह नहीं लेके आएंगे। अब इसका एक एग्जांपल तुम BGMI से ही देख लो, क्योंकि भाई PUBG मोबाइल के जो अपडेट BGMI के अंदर ट्रांसफर होते हैं उसके साथ साथ भाई जैसी वो BGMI के अंदर आते हैं साथ में भाई ग्लिचेस वगैरह भी काफ़ी वो लेके आते हैं और तुम सब वो लोग प्रॉब्लम फेस कर ही रहे हो। तो मे भी शायद क्राफ्टन वाले ये सोच रहे होंगे कि जो प्रॉब्लम हमें BGMI के अंदर आ रही है वो प्रॉब्लम हमें भाई न्यू स्टेट के अंदर क्रिएट नहीं करनी है, इसीलिए तुम्हें जो अपडेट वगैरह देखने को मिलते हैं वो भाई इंटरनली हैं, वो इंटरनली अपनी चीज़ें वगैरह फिक्स करते हैं, ऊपर तुम्हें भाई कुछ अभी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन भाई इन्होंने बोला है कि ये अपनी 3rd anniversary में कुछ बड़ी चीज़ें करने वाले हैं। तो देखो यार बड़ी चीज़ करने के लिए इनके पास बहुत कुछ है लेकिन कंसर्न वही हो जाता है। तो अब ये कोई बड़ा अपडेट अगर पुश करते हैं और वो पुश करने के बाद गेम के अंदर और ग्लिचेस वगैरह गेम हीट होना लैग होना वाली प्रॉब्लम अगर शुरू हो जाती है तो देखो इतने बड़े अपडेट पुश करने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि BGMI के अंदर भी बड़े बड़े अपडेट आ रहे हैं, अच्छे अच्छे अपडेट आ रहे हैं, लेकिन भाई प्रॉब्लम वही है, FPS की प्रॉब्लम है वहाँ, हीटिंग की प्रॉब्लम है, क्रैश की प्रॉब्लम है, तो वो सारी चीज़ें हैं। और एक चीज़ मैं तुम्हें लास्ट BGMI वीडियो में भी बता चुका हूँ कि क्राफ्टन के पास जो दो गेम है ना, एक BGMI और एक भाई न्यू स्टेट, तो दोनों में भाई सेम ही प्रॉब्लम है FPS की और भाई वो अपना सर्वर वगैरह की।
तो भाई कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो अभी क्राफ्टन हैंडल नहीं कर पा रहा है, मुझे लग रहा है कि इस चीज़ में टाइम लगेगा। और रही बात भाई थर्ड एनिवर्सरी की, तो मैं सोचता हूँ कि यार थर्ड एनिवर्सरी में भी शायद तुम्हें कुछ ना देखने को मिले बहुत बड़ा, क्योंकि अगर कुछ बड़ा अपडेट आने वाला होता तो अभी तक तुम्हें उसके भाई हिंट वगैरह देखने को मिल जाते। मे भी शायद इस महीने के एंड में तुम्हें कोई हिंट वगैरह देखने को मिले। तो मैंने तुम्हें बताया कि न्यू स्टेट का अगर कोई भी बड़ा अपडेट आता है तो उसकी डिटेल्स वगैरह तुम्हें भाई पहले ही न्यू स्टेट वाले प्रोवाइड करा देंगे, ताकि एक हाइप बने और तुम लोग जो है गेम के लिए वेट करो। तो यहाँ पर मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ बताता हूँ जो मैं ज़्यादातर शेयर नहीं करता हूँ, वो ये है कि देखो अगर न्यू स्टेट ग्रो होगा तो उसका भाई सबसे ज़्यादा लॉस होगा भाई टेंसेंट को। उसका रीज़न ये है कि उनका जो पबजी मोबाइल जो है उनकी ऑडियंस जो है भाई न्यू स्टेट के अंदर ईजिली आ जाएंगी, क्योंकि भाई देखो आज के टाइम में हर कोई एक पीसी गेम को मोबाइल के अंदर खेलना चाहता है, जैसे पीसी का मैकेनिज्म है उसी को भाई मोबाइल के अंदर खेलना चाहता है। जब भाई पबजी मोबाइल आया था तब भाई उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन भाई आज के टाइम पर हर चीज़ पॉसिबल हो चुकी है और तुम्हारे पास भी भाई अब अच्छे डिवाइस धीरे धीरे आने लग गए हैं। तो तुम्हारा भी यही रहता है होगा कि यार जो भी गेम पीसी के अंदर है वो हमें भाई मोबाइल के अंदर खेलना है। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें वॉरजोन की, तो वॉरजोन पीसी में भी है मोबाइल के अंदर भी है, लेकिन अभी उतना चल नहीं रहा है तो इसलिए भाई लोग उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। लेकिन अगर गेम चलता टीपीपी में होता तो भाई वो गेम बहुत ही जल्दी ग्रो करने वाला था। लेकिन न्यू स्टेट की बात करें तो न्यू स्टेट अच्छा गेम है, बेकार सिर्फ इसी चीज़ की वजह से कि ना तो उसमें अपडेट आ रहे हैं अभी फिलहाल के लिए और ना ही भाई वो उसके अंदर ग्लीचेज और बग्स फिक्स कर रहे हैं। वो कोशिश तो कर रहे हैं भाई धीरे धीरे छोटे मोटे अपडेट देंगे, लेकिन भाई मुझे लगता है कि उनको और ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा इस गेम के ऊपर। और न्यू स्टेट के चलने से भाई सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो टेंसेंट को ही होगा, और टेंसेंट क्राफ्टन के साथ काफ़ी सारे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व भी है। तो मुझे लगता नहीं है कि ये दोनों आपस में किसी भी तरह की कोई कॉन्ट्रोवर्सी करना चाहेंगे किसी भी गेम को लेकर। उनके पीछे क्या डील है क्या डील नहीं है भाई उसके बारे में तो कुछ अभी क्लियर नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह गेम फॉर पीस में न्यू स्टेट के कंटेंट को कॉपी किया जा रहा है उसके अंदर आ रहे हैं और उन्होंने ग्राफिक भी इनेबल कर दिए हैं, तो देखो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चीज़ें तो चल रही हैं। अब ये चीज़ें देखो बाहर तो आने वाली नहीं है, ना ही कोई तुम्हें इस तरह का कोई लीक्स वगैरह मिलेगा कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से तो तुम्हें वेट करना पड़ेगा, अगर तुम भाई न्यू स्टेट खेलते हो तो खेलते रहो। तो और मुझे इस चीज़ को लेकर ज़्यादा खुशी है कि चलो इन्होंने अभी गेम तो नहीं बंद किया है, जो लोग अभी तक इन्जॉय कर रहे हैं वो तो भाई कर ही रहे हैं। तो ये क्राफ्टन की मुझे अच्छी चीज़ लगी। मैं होप करता हूँ कि यार थर्ड एनिवर्सरी में अगर वो कुछ चेंजेस वगैरह भी ना करे तो लेकिन भाई गेम को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, अगर कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं तुम्हारे साथ ज़रूर शेयर कर दूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अगर दानिश भाई जिंदा रहते थे ना तो किसी का नाम ही नहीं रहता था, मतलब अलग ही लेवल का बंदा था। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरिंग उसने सिखाया है बंदों को। आज जो भी बन के बैठे हैं ना, जो भी जितने बड़े बड़े सेठ बन के बैठे सोशल मीडिया के जरिए,